खबर रीवा से है, जहां अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में जनपद पंचायत नई गढ़ी के अंतर्गत 76 ग्राम पंचायतों 300 से अधिक ग्रामों में 10 दिनों से चली आ रही विकास धोड़ो यात्रा के दौरान ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर विकास धोड़ने का काम किया गया। लेकिन ग्राम पंचायतों में विकास की जगह जमकर भ्रष्टाचार मिला है। वहीं कुंज बिहारी तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्राम पंचायतों को शासन द्वारा लाखों करोड़ों रुपए विकास के नाम पर पानी की तरह बहाया गया, जिसमें खेत तालाब निर्माण, पेवर ब्लॉक निर्माण, बाउंड्री वॉल निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, मेट बंधान, पेयजल योजना, विद्यालय में बच्चों को भोजन सहित हितग्राही मूलक योजनाओं को सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाकर विकास के नाम पर लूट लिया गया, जिसमें जनपद पंचायत नई गढ़ी के अंतर्गत 65 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों द्वारा संगठित होकर गरीबों, मजदूरों और बच्चों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। वहीं कुंज बिहारी तिवारी ने बताया कि गिदौवा आदिवासी एवं विद्या शंकर साहू को जिंदा करते हुए भी भ्रष्टाचारियों द्वारा दफन कर दिया गया। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी द्वारा नई गढ़ी तहसीलदार अनुपम पांडे एवं नई गढ़ी जनपद सीईओ शैलेश पांडे को भ्रष्टाचार का पुलिंदा एवं पेन ड्राइव सौंपते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों पर तत्काल FIR दर्ज कराई जाए। अगर भ्रष्टाचारियों पर 15 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं की गई तो अगस्त क्रांति मंच के हजारों हजार कार्यकर्ता साथ ही उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी स्वयं शासन एवं प्रशासन की होगी। वही का वीडियो है, वही रिकॉर्ड हुआ है और पूरा हिसाब किताब है। इसको आज के बाद आप लोग भ्रष्टाचार मत बोलिएगा। ये लूट है, लूट है, लूट है, ये संगठित लूट है। और एक डकैत, डकैत किसी का रिश्तेदार नहीं हो सकता, डकैत की कोई जात नहीं होती, डकैत कोई धर्म नहीं होता, डकैत 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 होता। आज 19 तारीख से हम इन लोगों ने जितना सोचा नहीं था, आज प्रथम चरण है और जिस तरह से आप देख रहे हैं लोग आए हैं, ये सब भ्रष्टाचार से किसी न किसी शोषण के शिकार लोग हैं। आज अपने तरफ से आए हैं, ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं था। ये हम लोग जो विकास हुआ था, जो पेपर में, टीवी पे या होर्डिंग में देखते थे, उसे 19 तारीख को ढूंढने निकले थे। जब निकले हम तो कागज है, लगभग 65 लाख की ये संगठित लूट है। इसे हम भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे। ऐसी ऐसी पंचायतें हैं कि काम कुछ नहीं हुआ है, कई करोड़ की बिल्डिंग जो है केवल कागज पे बनी है, कई करोड़ की ऐसी है कि सामने बाहर बाहर दीवार, कई CFT आप सोच सकते हैं, CFT भवन जैसे बड़ी बिल्डिंग जो 200 लाख के स्ट्रक्चर कबाड़ हो रहे हैं। यहाँ पैसों की मांग की गई है, अगर जिसके पास पैसे नहीं है, आप अभी गिदौवा के बारे में देख रहे थे, पीछे बड़ा स्क्रीन चल रहा है, 4 घंटे का ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें कहीं किसी तरह के एडिटिंग नहीं है। लगभग ऐसी 25 पंचायतें हैं जिनका 70 लाख से ऊपर का ये रजिस्टर है, ग्राम बार इसमें भी हो रहा है। और हम लोगों ने शपथ पत्र भी बनाया है कि अगर ये प्रोपोगंडा है, अगर हम झूठी बात कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ है जो हम बात कर रहे हैं वो गलत है, तो हम लोगों पे जितने अगस्त क्रांति के साथी हैं, झूठी अफवाह फैलाने का जुर्म में केस चलाया जाए। लेकिन अगर ये सही है तो संगठित लूट के जो लुटेरे हैं उनके ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज करके, और इस जो विकास जिसका अपहरण हुआ है नई गढ़ी से, जिसको दफना दिया गया है, जिसको मार दिया गया है, उस विकास को ढूंढ के लाएं, जिससे हमारी नई गढ़ी जनपद स्वर्णिम जनपद बन सके। जिस तरह से आपने देखा है कि भदावल भिटवा, ऐसे ऐसे गांव मिले हैं, बधवा कोठार हो, बहरा नानकार हो, कोरीगमा, भरगमा, नरैनी, पुरैनी, जितने भी जाएं, आप माड़ों में चले जाइए, 500 मीटर की रोड 55 लाख में बनी है, उसी का ग्रेवल, उसी का मुर्मीकरण, उसी का सुदूर सड़क, उसी का खेत सड़क, खेत तालाब, एक एक गांव से 18-18 खेत तालाब गायब है, मेड़ बंधान गायब है, कूप जैसे चीजें गायब है, बाउंड्री बाल गायब है, पेवर ब्लॉक गायब है। उमरिया पंचायत एक पंचायत ऐसी है कि जिसमें 200 लाख रुपए खर्च हुए, डायरी का 200 लाख रुपए ऑफिस व्यय हुए हैं, क्या वो विधानसभा हो गई है? यहाँ पे अधिकार, सीधी बात यह है कि नई गढ़ी में अधिकार बिका है,
जिसके पास रहा उसने खरीदा है, नहीं जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। गिदौआ 3000 में मार दी गई। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे कि गिदौआ चिल्ला रही है कि मैं जिंदा हूँ। ऐसी आदिवासी बिघाई प्लाट जो आदिवासियों का है उनको काला पानी दे दिया गया है। नई गढ़ी में विकास दिखा नहीं, दिखा तो केवल विनाश दिखा है। आज जिस प्रकार से आप लोग संगठित एकत्रित हुए हैं और एक ज्ञापन देने की बात आपने कही है, समय रहते आपने 15 दिन का समय दिया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आपका और अगस्त क्रांति का अगला कदम क्या होगा? आज ये जो पीछे जनसमूह है ये और अगस्त क्रांति, इनका समर्थन पे ही आगे का हम लोगों का निर्णय है। आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अगर आप चाहते हो कि पीड़ा है तो पीड़ित हो तो लड़ना पड़ेगा। देश अंग्रेजों से भी लड़ा, मुगलों से भी लड़ा, इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए अब आप सबको ताकत देनी पड़ेगी। आज FIR भी होगी, ज्ञापन भी होगा। और जो घूस मांगते हैं हमारे गांव के लोग, आप देखिए ट्राली में भर के जूते लाए हैं, ये कबाड़ में जूते बेचते थे, इतने गरीब हैं कि जूते तक कबाड़ में बेचते थे, लेकिन इनसे पैसे मांगा गया, पैसे थे नहीं, नाम आवाज से काट दिए गए। इन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम उनको ये जूते दे देंगे जो घूस मांगते हैं, आज के बाद ये जूते कबाड़ में वो बेचेंगे जिनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ये अब कबाड़ में भी जूते नहीं बेचेंगे। आज से 15वें दिन लगभग 100 की संख्या में लोग बैठ के अमरण अनशन करेंगे। ऐसे लोग लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है आज तक कोई क्यों देखने नहीं गया भूमि पूजन के बाद? आप यही बगल का गांव है, आप पत्रकार साथी हैं, पहला आप जाके रियल चेक कर लीजिए, एक यहाँ जोराउट है जहाँ पे बड़े नेताओं का उद्घाटन का शिलालेख है, उद्घाटन हुआ है उसके बाद छात्र नहीं गए और गिर गई है। आप मुड़ीला चले जाइए, 10 शौचालय बने हैं, 11वां बनने वाला है, उपयोग लायक एक भी नहीं है। आप रियलिटी चेक करिए, अगर ईमानदारी से आप सब भी यहीं के हैं, पत्रकार के साथ साथ आप यहाँ के नागरिक हैं, आप खुद जाके जो दिखाया जा रहा है उसका रियलिटी चेक करिए और दिखाइए कि यहाँ क्या होगा। पीछे आपको भदावल दिख रहा है, बड़े स्क्रीन में भदावल की दुर्दशा दिख रही है आपको, यहाँ करही दिखी है। करही के जो इंजीनियर साहब थे दीपक शर्मा जी, उन्होंने कल रिजाइन किया है, कितने रिजाइन करेंगे? लेकिन नई गढ़ी की जो संगठित लूट है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। 65 करोड़ रुपए जो नई गढ़ी के हैं वो नई गढ़ी को वापस किए जाएं, जिससे नई गढ़ी के गरीबों का, नई गढ़ी के लोगों का विकास हो सके।